अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अज़ीम हाज़िर फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही एक मज़ेदार और सिंपल सा जैम लेकर आया हूँ। उसे बनाना बहुत आसान है। तो मैंने लास्ट टाइम आपके लिए कीवी फ्रूट का रिव्यू किया था, तो मैं उसी के साथ कीवी जैम बनाना भी आपको लगते हाथ सिखा रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने दो अदद कीवी ले ली है, इसे मैं छील लूँगा। थोड़ा सा मैंने छीला हुआ है तो इसमें छील लूँगा, छोटे छोटे इसके पीस कर लूँगा। हाफ कप हमें चाहिए चीनी और दो लेमन जूस हमें चाहिए। ये दो नींबू का रस है और बिल्कुल फ्रेश स्क्वीज़ है। चलें दोस्तों इसके मैं छोटे छोटे पीसेस करता हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। बहुत ही सिंपल है बनाना है इसे। लें जी दोस्तों, मैंने कीवी का छिलका उतार लिया है देखिए, और मैंने इसे छोटे छोटे पीस में काट लिया। अब नेक्स्ट स्टेप जो हम करेंगे मैं आपको बताता हूँ। एक इस तरह का अपने बर्तन ले लेना है, इसमें कीवी डाल दें। और एक कप के करीब पानी इसमें शामिल कर दें। और हम इसे 10 मिनट तक ऐसे ऐसे पकाएंगे। और फिर नेक्स्ट हम इसमें चीनी शामिल करेंगे और लेमन जूस शामिल करके तो हमारा जैम रेडी हो जाएगा। बहुत सिंपल ऐसे बनाना। चलें इसे चूल्हे के ऊपर रखते हैं। लें जी दोस्तों, मैंने जो कीवी के पीसेस किए थे पानी डाल के इसके ऊपर रखा हुआ है। 10 मिनट तकरीबन इसे हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर हाफ कप चीनी शामिल कर देंगे और दो नींबू का जूस इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपको ज़्यादा नहीं पसंद तो आप एक नींबू भी डाल सकते हैं। ये जस्ट प्रिजर्वेटिव के लिए डाला है। इसे आपका जैम 15-20 दिनों तक, एक महीने तक टिका रहेगा, ख़राब नहीं होगा रेफ्रिजरेटर में। चलो दोस्तों जैसे ही होता है गाढ़ा फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लें जी दोस्तों, कीवी जैम का जो पानी है काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, देखिए गाढ़ा भी हो गया। ये देखिए बस इसे जैम कंसिस्टेंसी में ला के इसे अपने आंच को बंद कर देना है, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। देखिए तकरीबन जैम तैयार है। जस्ट इसे मैं सिर्फ 2 मिनट और दूंगा तो फिर मैं उतार लूँगा। देखिए ये ठंडा होकर बिल्कुल जम जाएगा। लें जी दोस्तों, हमारा मज़ेदार कीवी फ्रूट का जैम तैयार है, जिसे बनाना बहुत आसान है, सिंपल है। ये मार्केट से बहुत महंगा मिलता है। आप फ्रेश फ्रूट लेकर आए जब सीज़न में हो तो घर में बना लें, जैसे मैंने आपको बनाना सिखाया है। आप इसे केक के ऊपर लगा कर खाएँ या ब्रेड स्लाइस वगैरह के ऊपर लगा के खाएँ, आपको ये बहुत मज़ा देगी और बहुत ताकतवर है और सेहत के लिए ये बहुत अच्छा है। कीवी फ्रूट इसे ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको ये वाला इसका कलर पसंद नहीं आ रहा तो आप इसके अंदर 2 से 3 चुटकी सबस जो ग्रीन कलर फ्रूट होता है वो भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपको डार्क जो चाहिए। चलें दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से भी सब्सक्राइब कर लें। मुझे इजाज़त दे कि जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।